So it's day two and good morning guys. Hope you all are doing good. We are ready to go for the tour. Hi guys, good morning. Shanti here. So we are here and we are going in this gypsy today for the tour. And she's my new friend. Manjusha. Manjusha. And so we are going five people together in this gypsy. And we are going to cover too many points. So let's see how it goes and how is the day today. Come on. So we got this jeep for 4,200 rupees with a guide. तो ये है म्यूजियम. As you can see this, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे. It's nice, neatly maintained. ये बाइसन है. हंडी को पे क्या स्टोरी आप बोल रहे हो? हंडी को पे ऐसा है कि एक घुड़सवार घोड़े पे सवार होके आ रहा था. अच्छा. तो उसको पता ही नहीं चला वहाँ पे इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी थी तो वो नीचे दरी में जाके गिर गया. अच्छा, इसके वजह से उसका नाम हंडी खोला था. हंडी खोला था और वहाँ पे अभी बैरियर्स लगा के रखे हैं ताकि कोई गिर न जाए. आप गए हो ना वो जगह पर? गॉन पंचवारी लेक डार्क इवनिंग क्राउड ये धूप घर के पॉइंट है. इट इज हाईएस्ट पॉइंट इन पंचमढ़ी. कौन सा ये जो पेड़ का जो दिख रहा है? डिजाइन किया गया. अच्छा, सीमेंट का ही है? सीमेंट का बना हुआ. लेकिन ये ग्रीन खाली जो दिखाई दे रही है. हाँ जी, ये सिक्का का ही है. बालों के लिए सिक्का का है. अच्छा, सिक्का का ही है ये. अच्छा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे बी फॉल. ये हम लोग जीप में एंजॉय कर रहे हैं. एज यू कैन सी दिस, उठा के अगर उसको पटकते टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. उसको पटकेंगे तो मुंह जाएगा, दशक जाएगा. लेकिन जी का मंदिर है और ये देखिए कितना अच्छा है. और ये बी वाटरफॉल के पीछे ही है. एज यू कैन सी दिस, बहुत नीटली मेंटेन किया हुआ है. श्री राम. ये बंदर ऊपर खुजाते हुए बैठा हुआ है. देखो उसको कितनी मजा आ रही है छत पे. हम लोग बी पॉइंट के पास जा रहे हैं वॉक करके नीचे. बी पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं. एज यू कैन सी दिस वाटरफॉल एंड इट इज फुल ऑफ ग्रीनरी और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. देखो यहाँ ना भी सकते हैं और फिर जाके ऊपर चेंजिंग रूम है वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं. पर हम लोग ऐसे ही आए हैं देखने के लिए. तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ बाथ. सो यू कैन सी दिस पॉइंट. झरना गिरता हुआ देखेंगे. उसका नाम है बी फॉल. बी डबल ई मधुमक्खी के नाम से वाटरफॉल है. 150 फुट के जैसे जो पानी गिर रहा है उसके नीचे जब आप बैठे नहाते हैं पानी के ऊपर से शरीर की पूरी मालिश हो जाती है. पानी का बूंद से टपकने को लगता है, ऐसा महसूस होगा जैसे मधुमक्खी डंक चुका रही. इसलिए अंग्रेजी में नाम भी है बी फॉल. उसका पुराना नाम था जमुना प्रपात. जहाँ पर हमने वेरियल की पट्टी चेक कराए उसके पीछे पहाड़ी में से पानी निकल के आया है. वहाँ जामुन के पेड़ ज्यादा होते थे. जमुना नाम के एक लेडीज आदिवासी वहाँ रहती थी, इसका नाम था जमुना प्रपात. तभी आपने देखा बहुत सारी जो मक्खियाँ ऊपर में उड़ती हैं उसका जो साउंड बनता है ऐसे पानी की आवाज आती है. ये नाम ये भी हाँ हाँ चलिए ये देखिए यहाँ पे जो पानी में आप डेढ़ बैठेंगे ना बहुत सारी मछलियाँ जो है आपको. ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी. ये बी फॉल का वाटर पॉइंट है. हम लोग यहाँ पे आ गए हैं. काफी सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ा है. जिसको पैर में काटे थे वही यहाँ तक आए. दे कांट तेजस्विनी रियली एंजॉयड अवर टाइम. लुक एट द फिशेस हियर. दिस फिशेस आर द पेडिक्योर फिशेस. जूस मॉम डैड आर ऑल्सो एंजॉइंग देयर टाइम एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग माई टाइम इन द वॉटर.
इट इज रियली वेरी प्लीजेंट एंड नाइस हियर। ये तो बहुत सारी है। काट रहे मेरे यहाँ पेडिक्योर हो रहा है। यहाँ पे ऑफिशियल्स मेरे पैर में आके काट रहे हैं, छोटे छोटे गुदगुनी हो रही है थोड़ी। चलो जाने का टाइम हो गया। कहाँ जा रहे हैं अभी? पांडव गुफा बन जाता है। अच्छा ऐसा नहीं सिल टट्टू बन जाता है, मेहंदी जैसा लगा बस है ना। देखो इससे भी ये पत्ते से टैटू बना रहे हमारे गाइड। उसमें नहीं बना सकते। अरे बाप रे कितनी सुंदर है। सिल्वर ओक अपने हाथ से इसको ऐसे प्रेस करिए। प्रेस करन थोड़ा बनी टैटू बनी पत्ते की टैटू बनी। गुड ये लीजिए। वाह ये अच्छा है। पत्ते का टैटू बना या नहीं बताओ? मैंने तो मेहंदी लगाई है तो दिखेगी नहीं, इसलिए तुम्हारी वेरी नाइस। पत्ते देखना क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा है लेकिन वो टैटू है। ये पत्ती होती है, बड़ी बड़ी पत्ती होती है। ये क्या खाना बहुत सूखने पे आ रही है। देखो अभी टैटू बन रहा है यहाँ पे। आया आया अभी जा रहे हैं हम पांडव गुफा। पांडव गुफा लेट्स गो। हम लोग यहाँ पांडव गुफा के यहाँ पहुँचे हुए। दीदी ने हम लोग को फेरी दी है। सारे शॉप्स है अंदर जाने से पहले। ये पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। एक ही पहाड़ी है, एक पहाड़ी में 5 कमरे बने हुए हैं। 2 कमरे नीचे हैं, 3 कमरे ऊपर हैं। अभी तो क्या सरकार ने दरवाजे लगा दिए, पहले ये बोला हुआ था। बहुत से लोग जाते हैं दीवारों पे नाम लिखते थे, खाए पिए पाउच पर लिखे गए, किसी में चाहे चले गंदी बात आने बंद कर। सबसे ऊपर चढ़ने से चारों तरफ का सीधे दिखाई देता है। सुबह के टाइम आप सनराइज देख सकते हैं, नवंबर दिसंबर में सूरज भी देख सकते हैं। उसके बाद जब पांडव लोगों को बनवास हुआ ना, पचमढ़ी के जंगल में आए हुए थे। दिन के समय में जंगल में घूमते थे, रात में आके गुफा बनाते थे। उनका ऐसा कहना था कि गुफा बनाते समय उनको कोई देखे ना, क्योंकि दुर्योधन के डर से ये छुपे हुए थे। दुर्योधन ने कह रखा था पांडव लोग जहाँ देखे उन्हें फिर से डबल बनवास का आदेश दिया। जी जंगल में सब चुके सब दिन में जंगल में घूमे, रात में गुफा बनाना शुरू किए। गुफा जब आदमी बन चुके किसी ने उनको देख बहुत दुर्योधन को खबर कर दिया। जबकि वो लोग छोड़कर चले गए, गुफाएं अधूरी रह गई। इन अधूरी गुफाओं को आदिवासी लोगों ने देखा तो उनका ऐसा कहना था एक गुफा देखते एक मणि, इतने 5 गुफा थे पंचमणि। पंचमणि जो नाम पड़ा इन गुफाओं का। बाद में तो ये गार्डन वगैरह बन गया। पहले सब पुराना रास्ता था पीछे साइड थे, गाँव में लोग खड़े हुए वहां तक गाड़ी आती थी, पीछे थोड़ा था 2-4 कदम चढ़ने पर वहां पहुंच जाते थे। और यहाँ से भी आगे नीचे से बढ़कर करते हैं वहाँ तक गाड़ी जाती थी, लेकिन आजकल ये सब गार्डन बन गया। गार्डन है यहाँ का और ये यहाँ पे कैक्टस ट्री है, फ्लावर्स है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ है यहाँ पे और प्लांट्स लगे हुए। तो हम लोग यहाँ पे गुफा के पास पहुँचे पर गुफा बंद है। ये बिकॉज लोग मिसयूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। 5 गुफा है उसके नाम पे ये पूरा पंचमढ़ी का नाम पड़ा है। ऊपर तक है देखते हैं, अदरवाइज ये पूरा गार्डन बना है, पूरा क्लाइम है। अभी हम जाकर पंचमढ़ी फेमस है। यहाँ पे अंदर ऊपर अंदर जा नहीं सकते, सिर्फ बाहर से देख के जा सकते हैं। और आस पास में पूरा गार्डन बना हुआ है और अच्छी जगह है वैसे, लेकिन ओके अगेन बाहर से देख के जाओ। इतने अच्छे गुफा को उन्होंने वॉशरूम बना के रखा है इधर। लोग चढ़ के फाइनली ऊपर तक तो आ गए। सबसे ऊपर का पॉइंट है जहाँ से मैंने वीडियो लिया हुआ है पांडव केव का। अगर इन लोग मेंटेन करें तो और अच्छा रह सकता है। गवर्नमेंट प्लीज मेंटेन दिस साइट।
लिख के रखा हुआ है, फिर भी लोग जा जाके चढ़ रहे उधर देख लो बस। हाँ, तो लोगों को पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका बोर्ड नीचे है, तो भी लोग वहाँ पे चढ़ चढ़ के मजे ले रहे। टाइम टू हैव सम टी, यहाँ पे गरम गरम चाय पी रहे हैं हम लोग और वेफर खा रहे हैं। वी आर एंजॉइंग अवर टाइम। रसोई ढाबा पहुंचे हुए हैं और हम लोग खाना खाने आज दोपहर में इधर रसोई ढाबे में जाने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा है खाना यहाँ का। एक मछली लाइक हमारे फ्रेंड्स और यहाँ पर आपको ये अट्रैक्शन हुआ है, जैसे लाइव डीजे, फोक डांस, रात का हम लोग रात का देख रहे हैं। ढाबे में नॉनवेज वालों का अलग सेक्शन है और वेज वालों का अलग है, तो हम लोग बिरयानी मंगाई है, चिकन सीख हम लोग बिरयानी खाने वाले हैं आज, साथ ही ग्रेवी है, साथ में ग्रेवी भी है, सिलेक्ट टेस्ट एंड सी। How is it? Good? कैसा है बिरयानी? अच्छा, थोड़ा चटपटा है ना? हाँ, थोड़ा स्पाइसी है और थोड़ा डिफरेंट है, तो रायता नहीं दिया। हाँ, रायता नहीं मिलता है यहाँ पे, ऑनियन और ऐसा ग्रेवी मिलता है। आइसक्रीम या आइसक्रीम शॉप है, ठंडे में ठंडा खाने का मजा अलग ही है। कौन सा है वो? दिस इज मैंगो विद मिल्क इनसाइड। माइन इज पिस्टाचियो। पहुंचे हुए, अब ये बताएंगे। ये देखिए, टिकट गुफा देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसमें, आपको लोगों को भालू बनना है, गुफा में अंदर जाने के बाद भालू बनकर निकलना है। इस गुफा में 3-4 फिल्मों की शूटिंग हुई है। पहली फिल्म हुई तरकीब मूवी नाना पाटकर तब्बू की, दूसरी अशोका, तीसरी चक्रव्यूह, चौथी धाकड़। ये फिल्मों की शूटिंग हुई। गुफा नेचुरल बनी है, पानी भी कटाओ। इस गुफा के अंदर जब पहुंचते हैं तो गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, इसमें जो हवा चलती इतनी चलती है, ठंडी ठंडी हवा जाना बिना बिजली का ऐसी है। अगर वहाँ पे 5-10 मिनट बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नींद लग गई हो। उसमें ना मक्खी मिलेगा ना मच्छर मिलेगा, कुछ नहीं मिलता हवा। तो इसी गुफा में मतलब ठंडी में भालू वगैरह रहते हैं। ये बारिश से धुल धुल के रेडी बन जाती है। ये कच्चा पत्थर सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन है कच्चा पत्थर। पहले भालू क्या दिन भर यही रहता था। यहाँ पे क्या है कि जैसे गाड़ी पेपर बजता था, हल्ला गुल्ला होता था, दूर दूर मिला। अभी कभी रात में आता है, दिन भर से शाम के 5-6 बजे तक यहाँ पर पार्टी आती रहती, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, यहाँ कोई नहीं आता। इस मैदान आपने देखा हवाई पट्टी, इस मैदानों में जानवर वगैरह रात में। अच्छा, रात में कितने बजे बंद हो जाता है एंट्री? यहाँ ये तो अभी 3:30 बजे बंद हो जाएगी। नाम है बट इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। जैसे कभी आपने देखा होगा जो मटन वगैरह जो नीचे काटते हैं लकड़ी रखते हैं, इसकी लकड़ी होती है। अच्छा, अब आप इसकी पत्ती देखेंगे, पत्ती जो होती है घरों में जैसे दाल वगैरह पकाते हैं मीठी नहीं उसकी जैसे दिखती है, लेकिन ये वो है नहीं। इस पत्ती को अगर आप थोड़े से तोड़ कर मिट्टी और दोनों हाथों से अपने रगड़ लिए और जरा सा सूंघ लिए तो जो अपन खाए होंगे सब बाहर हो जाएगा। इस पेड़ की जड़ जो जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी जितनी दूर में लंबे चौड़े में जाएगी वो पीले ही कलर की होती है। इसके ऊपर जो छिलका होता है स्पंज की तरह नरम होता है। इस छिलके को अगर अपन जलाते हैं डिगला बना है डिगली बना रहेगा, दूसरे पेड़ की छाल को जलाएंगे वो जल के बिखर के राख बन जाएगी, ये नहीं बिखरेगी, हल्की है और हल्की हो जाएगी। अब देखिए ये सूखी डाल जो नीचे लटकी दिख रही है ना, इसमें एक बेला लगी हुई, इस बेला की जो पत्ती होती है, एक पत्ती अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हरी मिर्ची खा रहे हैं। 4 पत्ती आपने खा ली तो शरीर में थोड़ी गर्मी फुर्ती आएगी। 10 पत्ती अगर आपने खा ली तो ये समझ लो शरीर में इतनी उसकी उथल पुथल बच जाएगी जैसे घोड़ा को फुटता चलता है। उसका नाम दिया रीछगढ़। दोनों पहाड़ी आपस में मिली हुई खाली देव को रिच कहा गया और इसका नाम अंग्रेजी नाम है RIDG रिच। कभी किसी ने भालू के झुंड को उसको गुफा के अंदर जाते देखा तो नाम दे दिया रिच। ये छोटी सी गुफा है, बारिश में से कभी छुपने के लिए जानवर वगैरह आते हैं। अच्छा, तो नाम दिए रिच। सर समझ गए, धूपघट चलते हैं अभी।
धूप भर के यहाँ का व्यू है, फोटो ही ऐसा लग रहा है ना, अंग्रेजों के टाइम का पुल है ना ये। अच्छा, बहुत गहरा है अंदर, टू डीप। खाना खा लिया है, वेज खाना, वो भी पनीर और फिर कॉर्न टिक्का एंड एवरीथिंग। सो हम लोग का डे टू खत्म हो चुका है, हम लोगों ने अच्छा टूर किया आज पंचमढ़ी का, लास्ट डे ऑफ द ईयर। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, लव यू ऑल, प्लीज स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू, लव।